हाय फ्रेंड, मैं सुरभि आपका स्वागत करती हूँ डिलीशियस किचन बाय सुरभि में। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही फेमस हम इंडियन लोगों की गुजिया। महाराष्ट्रीय लोग इन्हें बोलते हैं करंजी, और हम इंडियन लोग नॉर्थ इंडियन लोग इसे बोलते हैं गुजिया। कई कई शहरों में इसे अलग अलग नाम से बनाया जाता है, पर हमारे नॉर्थ में इसको गुजिया बोलते हैं। इसे होली दिवाली त्योहारों पर बनाया जाता है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मावे की जो गुजिया है उसे बना रही हूँ। तो बड़े सरल तरीके से बना रही हूँ, आप देखें कि किस तरीके से हम इसे बनाते हैं। सबसे पहले मैं ये ले लूँगी मावा, आप देख सकते हैं ये मैंने ले लिया है खोआ, और इसको मैं हल्का सा कढ़ाई में इसकी अल्टी पल्टी कर लूँगी, जिससे इसका जो मावा जो आ रहा है आजकल मार्केट में इतना अच्छा नहीं आता। तो बेटर है कि हम इसको पहले अच्छे से थोड़ा सा गर्म करके और सेक लें हल्का सा 5 मिनट के लिए, ज्यादा देर नहीं, सिर्फ 5 मिनट के लिए करना है, ज्यादा देर हमें इसे नहीं चलाना। सो फ्रेंड्स, आप ये देखें मावा हो गया है, मैंने इसे अच्छे से भून लिया है। भूनना इसलिए जरूरी है कि थोड़ा सा इसका जो कच्चापन है वो निकल जाता है। और ये देखें मावे ने अच्छे से घी छोड़ दिया है। हमारे यहाँ बॉम्बे में मावा बहुत अच्छा आता है और घी बहुत छोड़ता है और एकदम प्योर मावा आता है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा है। और अब मैं इसकी गैस कर दूंगी बंद। ठंडा होने के बाद हम इसमें मिलाएंगे ड्राई फ्रूट्स और बाकी का सारा सामान मिलाएंगे। सो फ्रेंड, जब तक हमारा मावा ठंडा हो रहा है उसके लिए हम लगा लेते हैं ये डो गुजिया का। मैंने ले लिया है ये मैदा, अब इसमें मैं मिलाऊंगी देसी घी मोयन के लिए। मैं इसमें डाल रही हूँ लगभग 2 बड़े टेबल स्पून देसी घी, और एक बार इसे मिक्स करके देख लेंगे कि हमारी लगभग इसमें मोइन जो हमने डाला है तो उसमें मुट्ठी बननी चाहिए, इतना मोइन हमें इसमें चाहिए ही, तो लगभग इतना होना चाहिए। तो इसको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। ये देखें तो फ्रेंड, आप देखें ये मैदा बिल्कुल अच्छी मोयन डाला था मैंने इसमें, ये देखें लड्डू जैसा बनने लगा है इसका। तो इस तरीके का हमें मैदा चाहिए, और इसे अब मैं गूंथ लूंगी। थोड़ा थोड़ा पानी करके डालिएगा, क्योंकि जब ज़्यादा पानी हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और इसे हम बना लेंगे, सॉफ्ट बनाएंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं बनानी है, जैसे कि हम नॉर्मल डो बनाते हैं घर के रोटी पराठे का, उसी तरीके से बनाना है। ये हमने इसका बढ़िया सा डो बना लिया है, ये देखें। इसे हम जब 10 मिनट रखेंगे तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये डो हमारा तैयार हो जाएगा। इसको मैं रख दूंगी रेस्ट करने के लिए 10 मिनट के लिए। ये देखें ये मावा है मेरा। अब मैं इसमें मिला लूंगी सब सामग्री। ये है नारियल, ये मैंने नारियल को कस लिया है हल्का सा, तो ये थोड़ा सा मैंने इसमें नारियल डाल रही हूँ। ये है ड्राई फ्रूट्स, इसमें मैंने पिस्ता बादाम मिलाए हुए हैं, ये मैं इसमें डाल दूंगी। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, आपकी मर्जी है। और ये है हमारी खांड, इसको खांड भी बोलते हैं और बोरा भी बोलते हैं। अगर ये अवेलेबल नहीं है आपके पास तो आप पिसी शक्कर भी मिला सकते हैं। तो ये आप अंदाज से ले लें। ये देखिए, ये मैंने जितना मेरा मावा है उससे जस्ट हाफ ली है, और इसे अब हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो
तो ये देखें मैं इसे कर रही हूँ मिक्स। और सो फ्रेंड्स ये देखें मैंने पूड़ी बना ली है, पहले ये पेड़े बना लिए थे इस तरीके से, और अब मैंने ये करीब करीब चार इस तरीके की पूड़ी बना ली है। और ये मेरे पास साँचा है, अगर आपको हाथ से गुथनी नहीं आए तो मैंने ये साँचा ले लिया है, और ये साँचे पे इसको मैं इस तरीके से रख दूंगी। और चारों तरफ मुझे इसमें लगाना है पानी, ये देखें चारों तरफ मैं इसमें लगा रही हूँ पानी। अब जो हमने स्टफिंग बनाई है अपनी, वो स्टफिंग को हम इसमें रख देंगे। ये देखें ये मैं अच्छे से पूरी स्टफिंग को इसमें भर रही हूँ। और इसे कर देंगे बंद, और इसे थोड़ा सा दबा दें तो जो एक्स्ट्रा आपकी मैदा है वो सारी बाहर आ जाएगी। तो इसे इस तरीके से आप खींच लें, और ये गुजिया आपकी रेडी। ये देखें कितना अच्छा शेप आया है, कोई झंझट नहीं, कोई टेंशन नहीं, और आपकी गुजिया एकदम फर्स्ट क्लास तैयार है। तो इसी तरीके से मैंने और भी अपनी पुड़ियाँ बना के रखी हुई हैं, तो उन्हें भी मैं इसमें रख दूंगी। तो ये बड़ी आसानी से और बड़ी जल्दी हो जाता है। तो ये पानी लगाया फटाफट हमने और रखी स्टफिंग। और इसे दबा दिया। तो ये देखें फ्रेंड बड़ी जल्दी जल्दी और आसानी से बन जाती हैं, नहीं तो गुजिया बनाना सबको बड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन ये डिफिकल्ट है नहीं और बड़ा आसान है, और हम इसे बना के और अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखें तो फ्रेंड आप ये देखें कि मैंने ये कढ़ाई को रख दिया है, और कढ़ाई मेरी ऑलमोस्ट हो गई है। इसमें मैंने डाल दिया है देसी घी, और ये देखें आप गुजिया तैयार हैं। और एक बार में हमें कम कम ही डालना है, ज़्यादा गुजिया ना डालें और धीमी आंच पर ही डालें आप पहले इन्हें, बहुत तेज गैस पर ना डालें, तो मीडियम स्लो गैस पर ही डालें। और बनाते समय इसका जो लेयर है उसको आप पतली ही रखें, ज़्यादा मोटी ना रखें, क्योंकि जब हम खाते हैं तो वो लेयर, जब मुंह में मोटी लेयर आती है तो वो अच्छी नहीं लगती। तो जब पूरी हम उसकी बनाते हैं तो आप ध्यान रखें इस बात का कि वो पतली रहे, तो पतली रहेगी तो वो खाने में बड़ा मज़ा आता है और अच्छी लगती है। तो ये आप देखें मैंने मीडियम गैस कर दी है इसकी, और अब ये सिकने के लिए हो गई है रेडी। मैं इसे मीडियम आंच पे लगभग एक बार सिकने में इन्हें 5 से 10 मिनट लगता है, और ये धीमी आंच पे बनेंगी। आप देख सकते हैं ये देखिए ये धीमी धीमी आंच पे बन रही है, 5 से 10 मिनट लगेंगे इनको बनने में। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं गुजिया कैसे गुब्बारे की तरह फूल गई हैं। यही है कि मैंने इनको पतला लिया है, इसकी जो पूड़ी बनाई थी वो पतली बनाई है, और आप देख रहे हैं कि ये कैसे गुब्बारे की तरह फूल रही हैं। और जब मैं इन्हें पलटने जा रही हूँ तो ये पलटने के लिए तैयार नहीं है। तो एनीवे अब इन्हें मुझे दबा के और पलटना पड़ेगा अच्छे से। और देखें तो आप ध्यान रखें कि इसका जो बेस है वो मोटा ना रखें, पतला ही रखें, ठीक है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं ये गुजिया बिल्कुल रेडी हो गई हैं, और अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। आप देखें कितनी फूली फूली और बहुत ही बढ़िया गुजिया बनी है, देखें किस तरीके से ये फूली है। एक एक गुजिया बहुत अच्छे से फूली है। ये देखिए ये देखिए
इस तरीके से मैं अपना अभी दूसरा घान इसमें वापस से डाल दूंगी। ये देखिए फ्रेंड, ये मैं दूसरा घान भी निकाल रही हूँ। ये देखें, ये कितनी ज्यादा फूल गई है दोनों साइड से, और ये भी मैंने निकाल ली है। ये देखें बिल्कुल गोलम गोल हो गई है गुजिया। ये देखिए, आप देख सकते हैं बिल्कुल, सेकने में भी मुझे बहुत तकलीफ हुई, बिल्कुल गोलम गोल हो गई हैं और बहुत ही टेस्टी हैं और बहुत ही अच्छी हैं।